आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मैथमेटिक्स पर शिवंकर। हम लोग क्लास 10 का ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। इस ट्रायंगल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं सम मोर रियल्स में। सम मोर रियल्स का हम लोग थ्योरम नंबर 1 कर चुके हैं, आज हम लोग करेंगे थ्योरम नंबर 2। इस थ्योरम में है क्या कि दो ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स का जब हम लोग एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड से ट्रायंगल्स के और जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर है उसका रेशियो आपस में इक्वल होंगे। सम मोर रियल्स का ये रहा थ्योरम नंबर 2। इसमें कहता क्या है, इफ टू एंगल्स आर इक्वी एंगुलर, अगर दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है, इक्वी एंगुलर कहने का मतलब कि आपस में सारे एंगल इक्वल होंगे, तो हम लोग को प्रूफ करना है जो रेशियो है क्रॉसपॉन्डिंग साइड के वो इक्वल है किसके, रेशियो ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग एंगुलर बाइसेक्टर के। तो जो जैसे कि दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, तो जो रेशियो होंगे क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के वो इक्वल होंगे किसके, जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा उसके। तो हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं। हम लोग का गिवन कहता है क्या, दो ट्रायंगल्स हैं तो लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें क्या है, इक्वी एंगुलर है। इक्वी एंगुलर कहने का मतलब कि हर एक एंगल इक्वल है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई सॉरी डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या कि इसमें हम लोग कह चुके कि एंगुलर बाइसेक्टर है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि मान ली ए एक्स एंड डी वाई बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल डी। तो जो ए एक्स और डी वाई हो क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर है ए और डी के। तो हम लोग देखते हैं प्रूफ, हम लोग क्या करना है, प्रूफ। प्रूफ क्या है, द रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड यानी कि बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए एक्स बाई डी वाई। हम लोग को ये प्रूफ करना है। हम लोग क्या करते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो जो हम लोग का फिगर है, दो ट्रायंगल्स बोला है फिगर में, दो ट्रायंगल्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, फिर कहा एंगल का बाइसेक्ट करने के लिए, तो हम लोग इसमें एंगल का बाइसेक्ट कर दिए, ठीक है। ये रहा हम लोग का एंगुलर बाइसेक्टर, ये है ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे हम लोगों ने एक्स ले लिया और यहाँ पे वाई ले लिया, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने गिवन और प्रूफ में लिखा उस तरीके से हम लोग काम कर लिया। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ये रहा हम लोग का ट्रायंगल, हम लोग लिखते हैं प्रूफ, जो हम लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर कर देते हैं। तो चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तो एंगल 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 बाइसेक्टर से सिमिलरिटी से तीनों सिमिलर हैं। जैसे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये हम लोग क्या है गिवन है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये सब क्या हम लोग का गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर होंगे ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। तो हम लोग उसमें लिख सकते हैं क्या, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी सी बाई ई एफ। ये हो गया हम लोग का थ्योरम नंबर 1। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या ले सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और अगर एंगल ए का हाफ है तो एंगल डी भी क्या होगा, हाफ होगा। कैसे, देखिए ये पूरा एंगल ए है और जब बाइसेक्टर होता है तो एंगल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर एंगल ए का हाफ करिएगा तो एंगल डी भी हाफ होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये कोई गलत नहीं है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, छोटे वाले ट्रायंगल्स में सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और सिमिलर होगा भी। चलिए तो हम लोग चलते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए एक्स बी एंड ट्रायंगल डी वाई ई, इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंगल एंगल बाई सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, कैसे, ये हो गया गिवन, ये हो गया गिवन। और ये वाला यहाँ देखिए, अगर बाइसेक्टर होंगे तो एंगल इक्वल होते हैं, लिख देते हैं बाई बाइसेक्टर बाई बाइसेक्टर, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल
ए एक्स, बी सिमिलर ट्रेंगल, डी वाई ई। ये कैसे? एंगल एंगल सिमिलारिटी से, सिमिलारिटी, दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, जब ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर होते हैं, सिमिलारिटी में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसे उसमें जो रहता है वही। तो लिखेंगे क्या हम लोग कि जब दोनों ट्रेंगल सिमिलर होते क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए एक्स बाई डी वाई। ये लिए थ्योरम नंबर 2। जिस तरीके से हम लोगों ने बड़े वाले ट्रेंगल में लिखा था ये वाला, उसी तरीके से हम लोगों ने छोटे वाले ट्रेंगल में ये लिख लिया। तो अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या दोनों का LHS इक्वल है? तो आपस में RHS भी इक्वल होंगे। तो लिखिए बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए एक्स बाई डी वाई। हम लोग को प्रूफ यही करना था और हम लोगों ने प्रूव्ड कर लिया है। तो हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया है। तो हम लोग अब आगे थ्योरम नंबर 3 देखेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हाँ, मेरे हर एक वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। थैंक यू।